लॉयलिज्म भी को स्टार्ट हुए एक महीने से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन आज भी बहुत लोगों के पास, लॉयल मेंबर्स के पास उनका बेस नहीं है। किसी के पास कुछ अच्छे आर्मर वगैरह नहीं है, किसी के पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि लॉयल एसएमपी में मनी ऐड होने के बाद इकोनॉमी सी बन गई है। लॉयल एसएमपी में जिसके पास पैसा नहीं है उसकी लिटरली कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए आज मैं स्टार्ट करने वाला अपना एक बिजनेस जिसके अंदर पैसे की कमी मैं अपने लिए दूर करूंगा, लेकिन लोगों को आज प्रोवाइड करने वाला हूं मैं घर, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो आलसी ही है, अदरवाइज वो लोग घर बना के अभी तक रह रहे होते। एंड साथ ही साथ मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। अगर मुझे आप लोग अभी की अभी सब्सक्राइब करते हो, मैं अभी की अभी 200 की हिट कर दूंगा। तो अगर वो आप हो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जाके प्लीज चेक करो, सब्सक्राइब करो और 200 की कंप्लीट करने के लिए मेरी हेल्प करो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड लाइक करना मत भूलना। तो यू सी गाइस, लॉयल एसएमपी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लॉयल एसएमपी में लोगों के पास एक कोई प्रॉपर बेस नहीं होता, या तो कह सकते हो लॉयल एसएमपी में कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप लोगों को सब लोग साथ में देखने मिलेंगे रहते हुए। तो आज मुझे लॉयल एसएमपी में यही चेंज करना है। पर गाइस कोई नहीं बोलेगा कि मेरे पास खुद का बेस भी नहीं है, इसमें मैं अपना बेस भी बना लूंगा। तो देख सकते हो ये है कैसल जो कि ये ओएस का, और ये भी किसी ने बनाया जो कि कह सकते हो किसी का घर होगा। पर मुझे बनाना है एक आज बहुत बड़ा अपार्टमेंट जहां पे लॉयल एसएमपी का हर एक प्लेयर रह सके और मैं उनसे रेंट इकट्ठा करूंगा। तो दिस इज काइंड ऑफ माय बिजनेस एंड आल्सो कि हर एक प्लेयर लॉयल एसएमपी का एक जगह हमें देखने मिल जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन रहेगा पर मैं ऐसा करूं क्यों? ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट चाहिए इसीलिए। तो ये सब करते हुए मैं कुछ चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखूंगा। सबसे पहले हर एक लॉयल एसएमपी मेंबर को उसका एक प्रॉपर रूम मिलना चाहिए। दूसरा, वहां पे उन लोगों को हर चीज की सर्विस मिले, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली मैं चार्ज करूंगा। और तीसरा, प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली दूसरे प्लेयर से। तो ये सब करने के लिए मुझे चाहिए एक बहुत बड़ी जगह और बहुत प्यारा सा व्यू। और साथ ही साथ क्यों ना मेरा आज का आप लोग टास्क भी देख लो जो कि मैंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। ये देखो, ओके, तो ये टाइम आ चुका है कि मैं अपना जाके टास्क कलेक्ट कर लूं एंड लेट्स गो। क्या टास्क है? बिल्ड अ बिजनेस इन लॉयल एसएमपी। ओके, तो ये अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है लॉयल में करने के लिए। एंड लेट्स सी कि कितना सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करता हूं मैं। तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैंने बुलाया 2 जन को मेरे साथ ताकि मेरी वो अपार्टमेंट बनाने में हेल्प कर सके। और वो कौन है? ये रहा एक, और एक और कहां गया? एक और कहां है बल्कि? भागने गया वो, आ जाएगा। ओ हां, क्या आ गया, कितनी जल्दी। यो डग्गा, हेलो हेलो YouTube के प्ले बटन वाले, चमक रहा है भाई, डायमंड प्ले बटन 10 मिलियन का। हां ओके ओके गाइस गाइस, तो देखो रुकना, ये रुक एक डीजे ये धो ले। अरे अच्छा, वो धोने के लिए बोला ना, क्या है वो हाथ भी नहीं धोए। अरे करिए, बे रख लो, मैंने दिया वो नजर हट गई, मत बोल मेरे को, ठीक है? ओए ओए, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। ओके ओके, देखो तुम्हें पता होगा जैसे हमारे पास भी कोई घर नहीं है, है क्या? मेरे पास है भाई, सॉरी। कहाँ है? मेरे पास तो मेरा ही घर है। भाई तुम्हारे पास घर है? कब आ गया? हमारे पास घर कहाँ है? हमारे पास नहीं, मेरे पास घर है भाई, तू अपना देख। ओ यार, बाय द वे यार, मेरे पास भी घर है, जस्ट रिमेम्बर्ड। मेरे पास ही घर नहीं है गाइस। नहीं लेकिन ओके, हमारे पास सर्वर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। जैसे यहाँ पे एक घर है कैसल, किसी का तो होगा। पर मैं चाहता हूँ एक बिजनेस बनाना गाइस। अभी मैं डाकू गैंग के साथ वो बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। और क्यों करना चाहता हूँ ये पढ़ लो। पढ़ना है जल्दी, इधर दे, जल्दी पढ़ के निकाल। जल मैं पढ़ लिया, यस जो कि हमको टास्क भी हो जाए और बिजनेस में भी पैसा मिले। तो मैंने सोचा डाकू गैंग के साथ एक बिजनेस चालू करते हैं। क्या बिजनेस है भाई? शार्क टैंक को भाई मैं बताऊं? यस यस गाइस, शार्क टैंक में आप सभी का स्वागत है। बोट चल करता है, बोट भी बिजनेस है। तुरक अपने पास गुलाबी बोट, तेरा पिंक बोट कौन लेगा भाई? वही ना भाई, एक दिन इससे करोड़पति बनूंगा। इससे करोड़पति बनेगा? इससे पानी पति सबको दिखाऊंगा। तो जान अपन इसको हटाते। ओके बल्कि इसको हटाते, मैं बोलूं जा करोड़पति बन रहा था तू। अरे अभी नहीं, एक दिन आई सेड। वो दिन आज नहीं है, आज थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ। आज मूड नहीं कर रहा, अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। ओके तो अभी मेरे पास बिजनेस प्रपोजल है तुम लोगों के लिए कि हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। अच्छा, फिर उसे सेल करेंगे और लोगों से पैसे लेंगे। यस नहीं लेकिन देखो अभी ये जेन्युइन हमको करना है, लेकिन
उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक अपार्टमेंट। भाई तू तो गुप्ता था, तू जाट कब से बन गया? रेंट लेगा सबसे? रेंट नहीं लूंगा, बेचूंगा मैं। दलाल बनेगा तू मतलब? नहीं मतलब कह सकते हैं वही ब्रोकर। नहीं ब्रोक, अबे ब्रोकर तुम दोनों, मैं ओनर बनूंगा, दलाल तुम दोनों। देख रहे डीजे, देख रहे डीजे। अरे बिजनेस आइडिया दे दिया, लेट्स गो। बल्कि हम दोनों बनाते हैं बिजनेस। चल जा बे, तू तो वैसे बस अपना घर नहीं है, तो दूसरों के लिए क्या घर बनाएगा? अरे मैं बना, अरे रुको ओए, इसीलिए बोल रहा हूँ साथ में बनाएंगे। देखो डाकू गैंग का बिजनेस है ये, अमीर होना हमारा प्लान है। डाकू गैंग का कम लग रहा है मेरे को, तेरा बिजनेस ज्यादा लग रहा है, दोनों के पास तो है घर वर। नहीं नहीं, कितना इक्विटी मिलेगा? पैसा स्प्लिट करेंगे हम लोग इक्वली। अब बोलो अब कैसा है, अब मजा आ रहा है? 33 मेरे को, 34% चाहिए, तुम दोनों 33 ले लेना। प्रपोजल मेरा था तो सबसे ज्यादा मेरा रखने का हक बनता है। पैसे मैं लगाऊंगा भाई। अच्छा ठीक है, पैसे लगाओ। मटेरियल में कोच जाएगा, वो जमीन भी खरीदनी पड़ेगी भाई। मैं पैसा, देखो जमीन यहाँ की मुझे एकदम ऐसे मस्त सी लग रही है, भीगी जमीन। भीगी जमीन का क्या करेंगे हम? भीगी जमीन का क्या करना, खेती करेंगे हम? भाई तुम्हें भी सोचा था, भीगी जमीन का क्या करेंगे? बंजर चाहिए भाई, बंजर है, बंजर जमीन चाहिए भाई। ओके ये बंजर है, ये इतनी बंजर है, देख स्केलेटन स्पॉन हो रहे हैं सोना डाल के। बे बप्पी लरी रही। अभी देखो डिजाइन हमें कौन दे देगा घर का, यहाँ पे एक बिल्डर है हमारे पास। क्या आप लोगों को बिल्डर दिख रहा है? बिल्डर का तो पता नहीं, मिस्त्री जरूर दिख रहा है मेरे को मेरे पीछे। यस वो रहा बिल्डर, यस बिल्डर स्लैश मिस्त्री स्लैश मजदूर, ये रहा हमारे पास मिस्त्री मजदूर जो भी है हमारा। क्यों भाई बिल्डिंग कर, चल 100 की दिहाड़ी दूंगा भाई तीन की। कितना पैसा लेगा बता डीजे? 1,00,000। कौन सा मजदूर 1,00,000 लेता है? यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, कौन सा मजदूर 1,00,000 लेता है? पगला है क्या पूरा तू? तू भाई दुबई से है क्या? दुबई से नहीं, अब तू मुफ्त में बनाएगा यहाँ पे डीजे। अब हमें चाहिए एक डिजाइन, और डिजाइन तू मुझे भेजेगा, उसके बाद हम लोग वर्क करना चालू करेंगे उसके ऊपर मटेरियल लेने का। डिजाइन तो भेजूंगा बट यूनिटेबल डिजाइन नहीं, हम तीनों बनाएंगे ऑब्वियसली। ओके देन फाइन। वही तो ऐसा अभी भी मेरा भरोसा उठ चुका है। भरोसा उठ चुका है, इसे उठा दे भाई, भरोसा तोड़ देंगे उसको। किसने उठाया? टीएक्स ने। आज भी मैं निहत्ते लोगों से नहीं लड़ता। मिनट, एक मिनट दो, मैं मूड के। यस हीरो ब्राइन, यस हीरो ब्राइन आ रहा है गाइस सुसु करके। आज भी मैं निहत्ते लोगों से नहीं लड़ता। हाँ बल्कि समय मिल गया आने का। यस 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 भाई, चलो 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 भाई, क्या करना बताओ? क्या करना है? फ्लैट जाने थे भाई, सारी जगह पे पैसे छापने थे। डीजे डिजाइन रेडी है? यस yes. भाई निकाल पेपर निकाल। ये देखो डीएम कर रहा है, डीएम कर रहा है, स्क्रीनशॉट डीएम कर रहा है ऑब्वियसली। ओके अरे भैंस की ओ अच्छा भाई, yes, कितने yes. भाई कितने बड़ी है भाई, कितना बड़ा मकान है, कितने फ्लैट है? तीन फ्लोर है भाई, तीन फ्लोर और कितने? तीन फ्लोर, लेकिन अंदर से एक्चुअली में अंदर से मुझे लग रहा है काफी बड़ा होगा। भाई एक काम करते हैं ना, ये तीन फ्लोर का बीच से काट देंगे तो ये बन जाएंगे 6 फ्लैट, एक फ्लैट में 20,000 किराया। हाँ अरे नहीं सुन, इसका सेम ना एक और बना देंगे, 6 फ्लैट बेचते हैं। वही तो 6 फ्लैट भाई, भाई मैं तो अभी भी कह रहा हूँ सब्सक्रिप्शन मॉडल लगाओ भाई, यहाँ पे रेंट लेते हैं भाई। ओके डीजे आर यू रेडी? अभी यहाँ पे अपने को बनाना है हमारा अपार्टमेंट। yes. बल्कि भाग लिया, लेकिन ठीक है उससे भी हिसाब लेंगे। भाग गया वो, भाग गया कोई बात नहीं। हम दोनों बनाना शुरू करते हैं, तो रेडी है ना? ओके फाइन यस लेट्स गो, स्कीमेटिक चालू करते हैं एंड आप लोगों के लिए एक स्नैप में खत्म करते हैं। तो लेट्स गो डीजे, 3, 2, 1 एंड डन, लेट्स गो। कितना टाइम लगा है बनाने में, लेकिन फाइनली कंप्लीट हुआ है। अभी भी हमें पूरा टोटल एक दिन लग चुका है, लाइक कंटिन्यूसली नहीं किया लेकिन एक दिन लग चुका है, और अभी तक बल्कि आया नहीं। पर मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ, क्या है? तो ये है एक अपार्टमेंट, और ये अपार्टमेंट के अंदर वो हम, मैंने जैसे बोला था डीजे 2 बना देंगे हम, तो इसलिए हमने 2 बनाया है ये। और हर अपार्टमेंट में एक फ्लोर है और ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अभी मैं बेचूंगा ये फ्लोर्स सारे SMP मेंबर्स को, सारे तो नहीं, कोई 6 ही खरीद पाएगा। और ये देखो कितना स्पेशियस रूम दिया है मैंने, लाइक लिटरली बहुत स्पेशियस है। वो बात अलग है, सबके पास पूरा का पूरा मैदान पड़ा है बाहर, पर ये ज्यादा स्पेशियस है क्योंकि लोग अपने लिए छत भी नहीं बना पाते, मैंने उनको छत बना के दिया है। तो ये इनफ है ना, क्या लगता है डीजे? बहुत ही इनफ है भाई। और किसी को चाहिए रहेगा तो डीजे से इंटीरियर की ऑर्डर भी डाल सकता है, इंटीरियर कर देगा डीजे। वो मतलब ऑब्वियसली पैसे तो लेगा डीजे उसके। अब उससे पहले डीजे, अब हमें लोगों को बुलाना पड़ेगा और इसकी चालू करनी पड़ेगी सेलिंग। बहुत लोगों को बुलाते हैं। देख मुझे तो लग रहा है अगर मैं रहता ना, मैं इधर के 3rd फ्लोर पे रहता, इधर पे मैं भी एक्चुअली काफी कूल है वहाँ से व्यू, क्योंकि यहाँ से पूरा वो दिख रहा है, थोड़ा सा व्यू अब्स्ट्रक्ट होता है इस वजह से। लेकिन एक बात है कि मुझे वहाँ से माउंटेन्स भी दिखेगा, यहाँ से नहीं दिखेगा थोड़ा। लेकिन अब वो लोगों पे छोड़ते हैं, लोगों को कहाँ रहना है। ये घर, ये बंदे को भी हम लोग बेच सकते वैसे, क्योंकि इसका घर तो अब थोड़ा यूजलेस है। तो चलो अभी लोगों को बुला के लेके आते हैं, इसको बेचना शुरू करते हैं। लेट्स गो। यस पहले बल्कि को बुलाना है, चलो
हाँ सबसे पहले बल्कि को बुलाना है। अरे भाई ये कौन सी बिल्डिंग बना दी है यहाँ पे? और भाई आपकी है क्या? हाँ हाँ मेरी है, यही बेच रहा हूँ। अरे डैम यार, क्या प्राइस क्या है? प्राइस आ जाओ सबके साथ बताते हैं, आने दो सबको। यो गाइस क्या बेच रहे हो बोल भाई? क्या बेच रहे हो ये देखो, सामने जो खड़ी है दो इमारतें हैं। एक काम करते हैं रेक्सी भाई, पूरी बिल्डिंग खरीद लेते हैं। ओ एक मिनट मेरा, अरे मेरा पार्टनर तो आने दो, कहाँ गया? ए बल्कि आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। तो बल्कि और मैंने मिलके हमारा एक मस्त सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो सामने। अच्छा हाँ एक मिनट हाँ बल्कि नाम बताएगा। बोलो भाई पनवेल है हमारा प्रोजेक्ट, आ जाइए यहाँ पे हमारे साथ, आ जाओ लेट्स गो। प्रोजेक्ट का नाम है किराया अंदर तुम लोग बाहर। हाँ मैं सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे आपको टोटल मेंटेनेंस मिलेगी, अगर कुछ खराब होता है यहाँ पे टूटता उड़ता है तो हम ऑब्वियसली आके बनाएंगे। तो बताओ भाई, तो भाई सुन तो लो, हम सोसाइटी है भाई, ये रुको। हाँ सोसाइटी तो लास्ट सीजन था ना भाई, अरे वो सीक्रेट था भाई, ये खुले में है। हाँ ये खुला सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी। चौकीदार मिलेगा, पार्किंग मिलेगी भाई, गाड़ी बाड़ी लगाओ सब ठीक है, यहाँ पे सब कुछ है भाई, पानी भी आता है। बिजली और पानी 24/7 आता है कि नहीं? पहले बिजली पानी सब आता है भाई, लेकिन अभी आपको मैं इसके एडवांटेजेस बताता हूँ गाइस। पूरा खरीदना है क्या भाई? इसकी क्यों आ रही है भाई? बहुत पैसा भाई, 6 फ्लैट है, कितने फ्लैट खरीदोगे? अरे बहुत पैसा भाई। अरे एक मिनट अंधा पैसा हो, लेकिन मैं आप लोगों को एडवांटेजेस बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे आपको मेंटेनेंस मिलेगा, और प्लस अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका इंटीरियर नहीं मिला, आपको इंटीरियर भी आपको डीजे करके देगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेगा पर वो बेस्ट इंटीरियर करके देगा। और आपको इजी बैंक एक्सेस मिल रहा है गाइस, यहाँ से आप एक ब्रिज पार करोगे आपका बैंक पे पहुंच जाओगे सीधा। और सबसे तगड़ी चीज आपको जो है साइड में देखो शॉप मिल रही है, स्कल में आपको नेदरराइट मिल जाएगा, उधर खाने की चीजें मिल जाएंगी। देखो और जी खुलने वाली है बहुत जल्दी। और सबसे अच्छी बात है कि आपको छत मिल रही है रहने की, छत मिल रही है। वैसे तो मैं अमीर आदमी हूँ, बैंक में रहता हूँ, वैसे तो मैं अमीरों पर यहाँ गरीब हो गया। क्या करना है इन गरीबों को, एक एक फ्लैट खरीद के दे देंगे। ये क्या हो रहा है भाई, मेरे को दे दो भाई। एक सेकंड एक्स भाई, ब्रो ट्रांसफॉर्म्ड। ओके गाइस मेरी बात बता एडी भाई, देखो ऐसे तो इन लोगों की मार्केटिंग टेक्निक बड़ी खराब है, ठीक है? बट क्या करते हैं ना, हम लोग पूरी बिल्डिंग ले लेते हैं और फिर ना ऐसे यहाँ खड़े होंगे, खड़े होकर बोलेंगे 3 BHK फ्लैट हो चुकी, 2 BHK मिल जुगी। पैसे हम लोग उसको डबल पैसे में बेच देंगे। तो आई थिंक हमें पूरी बिल्डिंग खरीद लेनी चाहिए। काफी अच्छा आइडिया बताया बल्कि ये लोगों ने, तो इस हिसाब से ये सारे तो गरीब दिख रहे भाई, मेरे को लगता है तो निकालो 1 लाख निकालो 1 लाख एक लाख निकालो भाई, 1 लाख निकालो, अमीर समझ रहे ना, बस 1 लाख बस। हाँ हाँ निकालो 1 लाख निकालो गाइज। बाय द वे मैं आप लोग को बता देता हूँ, रेक्सी और ये टेडी को छोड़ के बाकी सबके लिए 10,000 में सिर्फ एक फ्लैट है। और हमारे लिए? अब तुम इतने अमीर लोग हो यार, अमीर लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है ना। नहीं भाई। भाई, एक काम करते हैं, वो सामने जो कासल दिख रहा है ना वो खरीदते भाई अपार्टमेंट। मेरी बात सुनो भाई, तो भाई गरीब को निकलो भाई, एक फ्लैट का प्राइस है 10,000 ना। हाँ एक फ्लैट का। और अभी देखो एक मिनट, अभी तुम फर्स्ट कस्टमर हो हमारे, इसलिए तुम्हें कहीं भी अलाउड है, कहीं भी एक फ्लैट ले सकते हो जो भी अच्छा व्यू लगे। ठीक है देखो, अभी मेरा बेस तो है ऑलरेडी, मेरे पास सामान वामान भी है, बट स्पॉन पे एक जगह मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया आप लोग ने। ठीक है तो टॉप फ्लोर दे दो मुझे बोल्ड भाई। ओके तो टॉप फ्लोर सेनपाई के नाम हुआ और 10,000 दे रहा हूँ एक सेकंड। तो आपके लिए जितना भी प्राइस अगर डीजे बोलेगा ना, मेरी तरफ से 50% डिस्काउंट उस पे। वाह डीजे कहाँ है? आएगा। अरे वो मत बुलाना भाई उसको मेरे घर पे, मैं बना लूंगा। चलो गाइस एक फ्लैट जा चुका है, सेनपाई ने ले लिया सबसे टॉप वाला फ्लैट। तो कूपी भाई आपको क्या चाहिए? भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं कैसे खरीदूँ? वो आ रहे ना आपके दोस्त आ रहे हो, देखो रेक्सी आ रहा है, टेडी कहाँ गया? भाई मैं तो खाना मांगने आया था। कोफी भाई ये भी ले जाओ यार, थोड़े से ये लो एक स्टैक गोल्डन एप्पल ले लो यार। ओ शिट भाई टेडी भाई ने भाई कोफी भाई ने बटुआ मार लिया, मेरे को बटुआ मार लिया भाई। एक दिन बटुआ किसने किसको बटुआ मार लिया? एक सेकंड कोफी भाई ने मेरा बटुआ मार लिया भाई। भाई मेरे को बटुआ मिला है क्या? जमीन पे मिला था मेरे को, जमीन पे बटुआ मार लिया, प्लीज बटुआ मार लिया मेरा। इस कैट तो मैं फॉलो करता हूं रियल लाइफ में।
भाई युग। हेलो युग, तो बताओ कौन सा सबसे पहले, मैं आपको रेट वगैरह के पहले मैं पूछता हूँ कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है तुम्हें फ्लोर, कौन सा अच्छा लग रहा है फ्लैट बता दो। ये दो है क्या? हाँ दोनों ही है, दोनों ही है। सबसे महंगा वाला जो सबसे ज्यादा से क्वालिटी वाला वो चाहिए। क्वालिटी देखो दोनों हम सबकी इक्वली रखे, सबसे बेस्ट बनाए हैं तो मेरे को इस वाले के अंदर सेकंड फ्लोर चाहिए। टॉप दे सकते थे लेकिन सेंपाई आके खरीद जा चुका है। सेंपाई ले लिया है तो मेरा सेकंड कर लो। सेकंड फ्लोर कितने का है? 10,000 का भाई, बस बहुत मिनिमम अमाउंट है। 10,000 का हमेशा के लिए मेरा है ना, फिर पता चला लगा हमेशा के लिए हमेशा। रेंट नहीं है भाई, रेंट नहीं है यार, एक्सी नहीं है भाई हमको। आए डॉक्यूमेंट सारे चाहिए, ये फेक डॉक्यूमेंट दे दूंगा भाई। ओह माय गॉड, अच्छा वो सब छोड़ो। जो ये लो भाई, ये लो मौज करो तुम। टैडी भाई हेलो, एक गैंग के तो फिर ऐसा करेंगे भाई। ये ले भाई वोल्ट, वोल्ट भाई और बल्कि भाई सुनो मेरी बात। चलो 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 हम और टेडी भाई नीचे वाले बीस में जाके ये फैसला किया है कि हमें पूरी बिल्डिंग खरीदनी है जो कि 30K में मिलेगी, तो हम लोग आपको 30K देने के लिए। 30K में नहीं, आप देखो रेक्सी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, आपके साथ एकदम प्रॉपर आपको समझा देते। अब देखो हमारे पास तीन फ्लैट है जो कि आपने बहुत सही लगाया कैलकुलेशन 10,000 का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक नीचे लॉबी भी है और यहाँ पे देख रहे हो, नहीं सुनो यहाँ पे पार्किंग एरिया भी है। और भाई सीधा सीधा बोलो कितने में दे रहे हो? 50,000 हम देंगे, 50 में भाई, 50 40 में डन करते हैं, 45 भाई, 45 में डन, 40 में डन करते हैं, नहीं 45 तो तुम्हारी ना मेरी 42 में डन, 45 से एक रुपया नीचे भाई, नहीं एक रुपया नीचे नहीं होगा। चलो ठीक है 46 में डन कर, 45 भाई। अब तो 50 के नीचे नहीं आ रहे, अब तो 50 के नीचे 45 डन, चलो 45 डन, 46 बोल दो। एनीवे लेकिन अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हम लोग ज्यादा बोल रहे हैं ना, 10-15,000 एक्स्ट्रा फेंक के मार दो, मैं तो बोल रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, बिजनेस ऐसी होता भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत भाई। अरे जाओ भाई, अब तुम हमारे एरिया में खड़े हो, निकलो चलो। अरे पैसे तो वो ये हमारा फ्लैट है, अरे पैसे तो ले ले लेके चला जाऊंगा, ज्यादा बोलोगे तो लेके जाओ और तुम्हारा हो गया। पैसे देते तुम्हारा हो गया। रेक्सी भाई पैसे निकालो भाई, 45,000। अरे भाई दे रहा है, एक सेकंड भाई, रेक्सी भाई क्या हो रहा है, पैसे वैसे बैंक में खत्म हो गए क्या? भाई खत्म हो गए क्या भाई, फोन को मारे क्या भाई? अरे बेना हम कुछ कर रहे हैं क्या? हम तो वैसे बात कर रहे थे कि यार अभी यहाँ पे ना इनको फ्लैट सुना दे रहा था ब्रो, सब कुछ सुना दे रहा था। चलो अब तीन हिस्से करने पड़ेंगे, बट तीन हिस्से करने पड़ेंगे। इसको क्यों ही दे रहा है, कुछ भी नहीं किया, बिजनेस मैं बंदे लेके आया हूँ भाई, मैं बंदे लेके आया हूँ बेचने में हेल्प किया, लेकिन डीजे डीजे ओके ओके सुनो भाई, मैं डीलर हूँ भाई। हाँ अभी हम लोग पैसे आधा आधा कर लेंगे, लेकिन डीजे आप तुझे ना इन लोगों का इंटीरियर बना के भी पैसे लेने। हाँ और सेनपाई को 50% डिस्काउंट देना, मैंने उसको बोल दिया था इस वजह से। ओके बाकी ये पैसे आधा आधा कर लेते, चलो गाइस ऑफ कैमरा आधा आधा कर लेते हम लोग, मिलते आपको। 500 के नोट तुम लो, इधर आ डीजे, ये ले, ये हुआ 1,000 रुपए, ये हुआ 20,000, ये हुआ 20,000, मतलब 21,000 हो गया तुम्हारे पास। चलो बैंक में पैसा डालते और देखते मेरे पास टोटल कितना है। पहले से 1,14,000 हो गया, लेट्स गो। 46,000 ए 1,14,000 23,000 ब्रो, मैंने नेदरराइट पे को पता कितना बेचा, क्या सोचा भाई, 1,00,000 तो मैंने पिछले सी उसमें कर लिया था वीडियो में अपनी। ये मैं तो बोलता हूँ कितना अच्छी बिजनेस हुई है, ये वाला फ्लैट मैं 20,000 में निकालूंगा भाई। अरे कितने में निकाल भाई, अपना काम तो हो गया, हमने तो ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिया भाई, बीके ना बीके अपना क्या मतलब भाई, ना बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया भाई। मेरा एक ही टास्क था बिजनेस बनाने का, वो हो चुका है, मैं जाके टास्क वाला पैसा भी ले लेता हूँ। लेट्स गो, ऐसे ही पैसे भाई, अमीर होने वाले पूरी गैंग, इतनी अमीर होगी ना। ओके सबमिट करते हैं, ओके सबमिट कर दिया एंड मेरे बैंक में लेट्स गो 1,000 रुपीज आ चुके हैं। लेट्स गो अमीरी अमीर होंगे। आखिरी वाला बस किसी को बेचना है? बाकी डीजे तू अपना बिजनेस कर ले उनके साथ जाके फटाफट से, मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो आखिरी फ्लैट भी किसी ना किसी को हम लोग बेच ही देंगे। तब तक गाइस टेक केयर एंड बाय एवरीवन, और याद रखना ऐसे ही बिजनेस करना होता है रियल लाइफ में भी गाइस, तो इसलिए अभी के अभी जाके लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस।